खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राहतगढ़ वाटरफॉल पर विश्राम गृह कैंटीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री राजपूत ने कहा कि राहतगढ़ का वाटरफॉल संपूर्ण बुंदेलखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में एवं प्राकृतिक सुंदरता में अपना नाम स्थापित करेगा। यहाँ बुंदेलखंड सहित संपूर्ण प्रदेश से पर्यटक राहतगढ़ वाटरफॉल को निहारने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका लोकार्पण किया गया है। मंत्री राजपूत ने कहा कि शीघ्र ही वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी प्रारंभ होंगी। बचपन से हम सब लोग यहाँ आते जाते रहे, लेकिन इसमें किसी ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक सौंदर्य तो था, इस प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने का प्रयास बहुत ज़्यादा करना था, लेकिन जैसे ही मुझे अवसर मिला, हमारी सरकार आई और सबकी सरकार के सहयोग से मैं मंत्री बना, तो मैंने सोचा कि इसको बहुत सुंदर बनाया जाए। आज आप देख रहे हैं कि सामने सुंदर माल है, प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर सुंदर कैंटीन की व्यवस्था की गई है, रेस्ट हाउस है, व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, बच्चों को खेलने के स्थान बनाए गए हैं, पार्किंग की गई है। अब यहाँ और जो व्यवस्थाएं होना है वो व्यवस्थाएं मैं जल्दी से जल्दी करवा रहा हूँ। हम चाहते हैं ये इतना सुंदर स्थान बने कि यहाँ घूमने के लिए सारे सागर जिले का आदमी नहीं, मध्य प्रदेश का आदमी आए। आज आप देखिए, कल मैंने मुझे बताया गया, कल इतवार था, संडे, कल कम से कम 25,000 आदमी यहाँ आया है। तो यही स्थिति रही तो मैं समझता हूँ बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ करना पड़ेगी। हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग सप्ताह में एक दिन जरूर आएँ, इस सुंदर स्थान को देखें, परिवार सहित आएँ, मित्रों सहित आएँ, पिकनिक मनाएँ, अपने परिवार के साथ कुछ दिन यहाँ गुजारें। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है जो अब विकसित दिशा की तरफ बढ़ रहा है।